नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। हर की पैड़ी ये जगह गंगा में डुबकी लगाने और दान पुण्य के लिए मानी जाती है। यहाँ अक्सर यात्री गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद गंगा किनारे बसे बेबस लाचार भिखारियों की मदद के लिए कभी कंबल बांटने आते हैं तो कोई रुपये बांटता है। कुल मिलाकर अपनी आस्था के अनुसार भिखारियों के लिए जो बन पड़ता है वो करते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद भिखारी अब भिखारी नहीं बल्कि राक्षस बन चुके हैं। यहाँ अक्सर भिखारियों द्वारा उन यात्रियों के साथ बदसलूकी की जाती है जो उन्हें कुछ रुपये कंबल खाना बांटने आते हैं। इसका ताज़ा वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ एक महिला गंगा स्नान के बाद अपने हाथों से दान पुण्य करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसने हर की पैड़ी के भिखारियों को पैसे बांटने शुरू कर दिए। इसके बाद भिखारी की भीड़ में इस महिला और उसकी सहयोगी को बुरी तरह से घेर लिया। जब महिला के पास बांटने के पैसे खत्म हो जाते हैं तो वहां मौजूद भिखारी उनके कपड़े खींचना और छीना झपटी शुरू कर देते हैं। यहां महिला यात्री भिखारियों से अपना सामान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन उसकी मदद को कोई दूर दूर तक नहीं होता। महिला के चारों ओर केवल भिखारी हैं जो उसे लूट रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना स्थल से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी भी है और पुल के ऊपर पुलिस वाले गश्त भी करते हैं, बावजूद इसके महिला भिखारियों के चंगुल में फंस गई। और आपको बता दें कि यह केवल इस महिला के साथ ही नहीं बल्कि दिन भर में यहाँ कई ऐसे यात्री आते हैं जो अपना कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं और ये सारी हरकतें उन सभी यात्रियों के साथ होती है। मारपिटाई तक भी नौबत आ जाती है, कपड़े भी फाड़े जाते हैं और उनका सामान और पैसा भी लूट लिया जाता है। उनके गले में अगर कोई कीमती धातु है या उंगलियों में अंगूठियां हैं तो वो भी खींच ली जाती हैं। और जब यात्री पुलिस के पास जाता है तो पुलिस भी हाथ खड़े कर देती है। वो कहती है कि लूटपाट करने वाले भिखारी मौके से रफू चक्कर हो गए हैं और यहाँ इतनी ज़्यादा भिखारियों की भीड़ है, वो किस किस की तलाशी लें। कहीं ना कहीं यहाँ मौजूद होटल वाले भी भिखारियों की इस हरकत के जिम्मेवार हैं। अक्सर जब भी कोई भिखारियों के लिए खाना बांटने की बात होटल वालों से करता है तो होटल मालिक तपाक से जवाब देता है कि आप हमें रुपये दे दीजिए, हम भिखारियों को खिला देंगे। तो कुछ लोग समय बचाने के चक्कर में उन्हें रुपये देकर चले जाते हैं और होटल वाला उनमें से कुछ रुपये भिखारियों को दे देता है, जिससे भिखारियों की मंशा सिर्फ रुपये लेने की होती है, खाना खाने की नहीं। और दूसरी बात यह भी है कि वहाँ सैकड़ों लोग इन्हें खाना खिलाने के नाम के आते हैं, लेकिन एक दिन में भिखारी कितना ही खाना खा लेगा, तो भिखारी भी रुपयों को ही प्राथमिकता देते हैं और जिस वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब इन भिखारियों की इस हरकत पर एक्शन लेगा। और सवाल उन लोगों से भी है कि जब किसी भिखारी के साथ मारपीट होती है तो वो सबसे पहले सामने आकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, क्या वे भिखारियों की इन हरकत पर कुछ बोलेंगे? क्योंकि जैसी हरकत ये लोग कर रहे हैं उससे ये तो साफ है कि ये भिखारी तो नहीं है।